दोस्तों आपने टीवी सीरियल तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इन सीरियल्स में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो दर्शकों को बड़ा पसंद आते हैं, लेकिन दर्शकों को बुरा तब लगता है जब वो किरदार शो को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। और ऐसा एक शो था साथ निभाना साथिया, जिसमें जिया मानेक ने गोपी का किरदार निभाया, लेकिन वो शो को बीच में ही छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उनकी फैंस को काफ़ी बुरा लगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, साथ निभाना साथिया में सीधी सादी गोपी बहू का किरदार निभाने वाली जिया मानेक आज रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और साथ ही जिया के गोपी वाले किरदार के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जिया मानेक का जन्म 18 फरवरी 1986 को गुजरात में हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2010 में आई फिल्म न घर के न घाट के से की थी, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन फिल्मों में ये कोई खास पहचान नहीं बना पाई, जिसकी वजह से इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया, जहां ये पहली बार स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया में नजर आई। ये शो 2011 में प्रसारित किया गया। इस शो के जरिए जिया मानेक को टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान मिल गई, लेकिन जिया मानेक ने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि झलक दिखलाजा में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने इस शो को बीच में छोड़ दिया, जिसके बाद रातों रात गोपी के किरदार के लिए देवलीना भट्टाचार्य को चुन लिया गया, जो सीरियल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। साथ निभाना साथिया सीरियल के बाद जिया मानेक टीवी सीरियल बालिका वधु और जिनियो जूजू जैसे सीरियल में नजर आई। आज जिया मानेक रियल लाइफ में बड़े खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इनका किरदार कौन से शो में ज़्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।